छोटी मालकिन उतरिए, उधर जाइए। पहले हुआ तो मैंने सोचा गलती से टच हो गया होगा, लेकिन बार बार मुझे छूने की कोशिश कर रही हैं आप। मुझे ये सब पसंद नहीं है, ऐसा करेंगी तो बाइक कैसे चलाऊंगा? हैंडल पर बैठ जाऊं क्या? देखो प्लीज रोना मत। सॉरी, मुझे ऐसे लड़के को देखकर फिसल गई होगी, लेकिन मेरी ये गर्लफ्रेंड है यार। मैंने फेसबुक पर स्टेटस भी चेंज किया, जाकर देख लो। मुझसे दूर रहो प्लीज। पल्लवी को धोखा नहीं दे सकता। आओ बैठो। दोनों के बीच में आधे फुट की जगह होनी चाहिए, तभी कॉलेज पहुंचेंगे। मेरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ चली जाओ। बीच में अपना बैग रख दो। ये तो पल्लवी का ही कॉलेज है। हेलो, कहाँ हो तुम? इस वक्त कहाँ हो सकती हूँ, कॉलेज में हूँ। तुम कहाँ हो? मैं कॉलेज के बाहर। तुम कॉलेज क्यों आए हो? मैं नहीं बताऊंगा। ए, बताओ। तुम्हारे लिए आया हूँ। अच्छा, जरा कॉलेज कैंटीन में मिलो, तब क्लास लूंगी तुम्हारी। ओके। कौन है वो लड़की? कौन लड़की? जो चिपकी हुई थी। अच्छा, देख लिया? बहुत खूबसूरत है। सच में खूबसूरत है? तुमने नहीं देखा क्या? बिल्कुल नहीं देखा, तुम्हारी कसम। वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो। क्या लगती है वो तुम्हारी? भाभी की बहन है। भाभी की बहन? और रहती कहाँ है? मेरे घर पे। भाभी की बहन है, एक ही घर में रहती है, और तुम कहते हो कि देखा नहीं। क्या यार, तुम भी मुझ पे यकीन नहीं है क्या? मैं नहीं मान सकती। तो फिर खुद आकर चेक कर लो। मैंने उस बारे में बात की है, वो जमीन खरीदने को तैयार है। अगर तुम और तुम्हारे चाचा हाँ कहते हैं तो मैं उन्हें हाँ कर दूंगा। आप तो सब जानते ही हैं, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। ठीक है बेटी, मैं वहाँ आकर पेपर साइन करवा लूंगा। ठीक है अंकल, रखती हूँ। हाँ, एक वेजिटेबल कटर, बिल्कुल टाइम पे डिलीवर करना, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। तुम हॉस्टल नहीं गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे पीछे यहाँ तक चली आई? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? यहाँ आओ जल्दी। मेरी भाभी और उसकी बहन यही है। वही तो पता लगाने में यहाँ आई हूँ। मुझ पे यकीन क्यों नहीं करती? अगर उसने देख लिया तो भाभी को बता देगी, और मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर उसे बहुत दुख पहुँचेगा। अच्छा, तुम्हें तो उसकी फीलिंग्स की बड़ी चिंता हो रही है। तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना? चलो बुलाओ उसे। ओ भाभी की बहन, बाहर आ। पागल हो क्या? वो बाहर नहीं आएगी। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारी इजाजत के बिना हम कॉलेज में भी कर सकते हैं। प्लीज देखो, वेजिटेबल कटर ऑनलाइन लेना है, कैसे? क्या चल रहा है? अब वो दीदी ये मुझसे पूछ रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। तुम? अब वो दीदी ये मुझसे पूछ रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। दीदी? तुम बहन हो? तुम ही हो? चीनी? इतना बड़ा गेम? मतलब इतने दिनों से जानबूझकर बेवकूफ बना रही हो? मैंने तो कितने सारे हिंट दिए थे, तुम्हें ही समझ में नहीं आया। मेरी दीदी की शादी में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम तो अपनी धोती भी नहीं संभाल पा रहे थे, बस वही भोलापन देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। कैसी धोती है ये? मैं तब से ही तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, और हर साल छुट्टियों में मैं तुमसे तुम्हारे घर मिलने आया करती थी, लेकिन तुमने तो मुझे नोटिस ही नहीं किया। मतलब मैंने 4 साल वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अभी भी 4 महीने हैं। तो कवर कर ले। टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, टाइम बहुत कम है। अभी बैग बीच में रखना है? बिल्कुल नहीं। इस बस को रोकिए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस साइड में लगाओ। अरे तूने बस क्यों रोकी? आरटीओ चेकिंग है। अरे दीदी, तो क्या हुआ? मैं उनसे डरता हूँ क्या? तुम्हें लगता है मैं उन्हें देखकर कांपने लगूंगा? आरटीओ चेकिंग है, सभी नीचे उतर जाइए। जल्दी चलो। अच्छा, ये सामान भी उठा लो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बाइक खराब हो गई थी तो बस से
आप ही बताइए ना। हाँ दीदी, इसकी बेकार बाइक खराब हो गई, आप मुझे गाड़ी में छोड़ देंगी? बिल्कुल भी नहीं, ऑटो में चली जाओ। सुना ना दीदी ने क्या कहा? हाँ सुन लिया। मैडम, बिना पेपर्स देखे आपने सबको क्यों उतार दिया? बस का नंबर क्या है? दिखाई नहीं देता क्या? बस नंबर बताओ। 2844। अगर ये 2844 है तो फिर वो क्या है? श्रीनिवास। यस मैडम। ये सारे पेपर्स इन्हें दे दो और दोनों बस को सीज कर लो। ओके मैडम। मैडम, बस किसकी है पता है? शिवा भाई की, शिव शक्ति ट्रेवल्स। शिव शक्ति ट्रेवल्स की सारी बसेस चेक करो। मैडम, एक बार में बात समझ नहीं आती? नहीं नहीं हो, इसीलिए घमंड है। तुम शिवा भाई को जानती नहीं हो, रोड पर रोज एक्सीडेंट होते हैं। क्या नाम बताया? शिवा भाई। सुन लिया ना? जी। उसके नाम पर नोटिस जारी करो। ओके मैडम। वो जो नई लेडी आरटीओ आई है वो हमारी बसें सीज कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक भी बस हमारे पास नहीं बचेगी। उसे दिखाना पड़ेगा कि आप कौन हैं। वकील साहब, आप कमिश्नर से बात कीजिए। ठीक है शिवा। गुड मॉर्निंग सर। ये सब क्या हो रहा है? मैंने सुना यहाँ जो बसें चल रही हैं तुमने रोकने पे तुली हो। ए, मिर्ची किधर है? अभी लाया सर। सर, 3 महीने पहले हाईवे पर बस में आग लगने से 40 लोग मारे गए थे। मैंने उस ट्रेवल्स की हिस्ट्री चेक की और रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं है तो क्या? शिवा की बसेस ऐसी ही हैं। वो आदमी पागल है, वो कब क्या सोचता है कोई नहीं जानता। हमें ही एडजस्ट करना होगा। नो सर, ये आम जनता की जिंदगी का सवाल है। तुम औरतों की यही दिक्कत होती है, कभी मर्दों की कोई बात मानी है? मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ सर। तुम्हारी ड्यूटी क्या है मैं जानता हूँ। एक सरकारी नौकर का यही काम होता है कि अपने सीनियर्स की बात माने। सर आप मेरी बात। तू अपनी बकवास बंद कर। अब मेरी बात सुन, शिवा की बसेस कल सुबह से रोड पर होंगी। चलो अब जाओ यहाँ से। चाय किधर है? लाया सर। सबसे पहले सीज की गई बसेस को गोडाउन में भेज दो। सेम नंबर वाली बसेस की फोटोज लेकर पेपर्स को अटैच करो। केस फाइल कर दो। ओके मैडम। इस बारे में कोई भी कुछ पूछे तो उसकी बात मुझसे करवाओ। ठीक है मैडम। ईश, भाभी इधर ही है। ये लाइट को क्या हुआ? अरे क्या करियो, भाभी आ जाएगी। आने दो ना। अच्छा ये बात है। तुम्हारी दीदी आ गई। भाभी वो इसने मुझे अंधेरे में गलती से पिलर समझ लिया है।
कॉल डिस्कनेक्ट कर दो, मैंने उसे गांव भेज दिया है। इस लव शक पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा कि तुम इस वक्त अपने करियर पर फोकस करो, समझे? अच्छा अब तुम ऐसा करो कि ज्योति अंकल कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। क्या बात है, आज तो बहुत जल्दी जाग गए बेटा। तुझे इस तरह से इतने डिसिप्लिन में देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तेरी भाभी के अलावा दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता है तुझे। ये ले, तेरी चाची ने तेरे लिए भेजा है। आइए बैठिए ना अंकल। ये पुलिस क्यों आई है? लगता है उस ऑफिसर ने कमिश्नर की बात नहीं मानी, केस फाइल कर दिया है, वारंट इश्यू हो चुका है। पुलिस को मैं संभालता हूँ, उस ऑफिसर को आप संभालिए। हमने पूरी कोशिश की पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। ये लेडीज सेंसिटिव होती हैं, प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। यही तो बात है भाई, ये औरतें अपने पति की नहीं सुनती तो हमारी क्या सुनेंगी। मैं संभालता हूँ। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। अंकल कल चले जाइएगा, आज रुक जाइए। नहीं बेटी, ये पेपर्स हैंड ओवर करने हैं ना, चलता हूँ। मुन्ना मुझे स्टेशन तक छोड़ दो बेटा, ध्यान रखना बेटी। जी अंकल। क्या सोच रहे हो मुन्ना? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। कम इन। शिवा, शिव शक्ति ट्रेवल्स। बैठिए। धन्यवाद। आप कुछ लेना चाहेंगे? चाय, कॉफी? आप जो भी मंगवा दें। रमन ध्यान रखना बेटा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तुम कैसे आ सकते हो? भाभी अकेली पड़ जाएगी। अगर अकेली पड़ती है तो पड़ जाए, उससे मुझे क्या। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? वो एक चुड़ैल है चाचा, शादी होते ही भैया को मुझसे दूर कर दिया, यहाँ लाकर नौकर बनाकर रख दिया है, और अब पल्लवी को भी मुझसे दूर गाँव भेज दिया है। वो बहुत बुरी है चाचा, अगर मैं यहां रहा ना तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं नहीं रह सकता यहां, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मतलब मेरी बसेस छुड़वाने के लिए? टैक्स पे कीजिए और रूल्स फॉलो कीजिए तो हम बसेस छोड़ देंगे। मैं रूल्स कभी फॉलो नहीं करता, मैंने आज तक किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, आज पहली बार आपसे कर रहा हूँ। और मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, मैं बस नहीं छोड़ूंगी। देखिए मैडम, आप बेकार में ही मेरे पेशेंस की परीक्षा ले रही हैं और आप बेकार में ही मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। पूरा शहर शिवा के नाम से कांपता है, अगर मैं एक आरटीओ ऑफिसर से हार गया तो अच्छा लगेगा क्या? आप जानते हैं ये पूरा डिपार्टमेंट ज्योति की बहुत रिस्पेक्ट करता है, अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वो अच्छा लगेगा क्या? अगर कभी किसी को न समझ सको तो चलेगा बेटा, पर किसी को गलत मत समझो। तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक साथ पले बड़े हैं, तुम्हारी भाभी ने पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों के बीच कोई आएगा तो तुम ऐसा ही बर्ताव करोगे। शादी के बाद तुम्हें इसलिए दूर नहीं भेजा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। यहां पर तुमसे काम करवा कर वो तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहती थी, बस ये चाहती थी कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ लो। पल्लवी को तुमसे हमेशा के लिए दूर करने के लिए यहाँ से नहीं भेजा, बल्कि इसलिए भेजा कि तुम दोनों एक हो सको। तुम्हें पता है उसने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? वो अपने पापा की दी हुई जमीन कम दाम में बेचना चाहती है ताकि तुम सेटल हो सको और मैं पल्लवी के पापा से उसका हाथ तुम्हारे लिए मांग सकूं।
हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं बेटा, अगर घर में एक सदस्य भी बढ़ जाए तो खर्चा बढ़ जाता है। और जब मैंने उससे पूछा कि इतने सालों बाद भी बच्चा क्यों नहीं प्लान कर रहे, तो उसने कहा मुन्ना भी तो हमारा ही बच्चा है, पहले उसे सेटल होने दो। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही, तुम्हें एक नई जिंदगी दे रही है, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भरकर उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं, टूट गए तो इन्हें जोड़ने में गांठ पड़ जाती है, इसलिए अपनी सोच को बदलो। मैडम मुझे परेशान मत करो, जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। अच्छा तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होगा, बचपन से लेकर आज तक मैं कभी हारा नहीं हूँ, ये बात आप शायद जानते नहीं है। ए, मैं मरा तो जीत मेरी होगी क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा, गोली चलाओगे तो मरोगे, जीतोगे कैसे? करेक्ट। मुन्ना तुम यहाँ? वो चाचा ने मुझे मुन्ना और अगर तुम मरी तो क्या मैं जीतूंगा? क्या कहा तूने? मैंने कहा ये घटिया औरत मरेगी तो मैं जीतूंगा। वो भाभी माँ है मेरी।